अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों अभी तक ना मैंने किसी पेट्स को भी अपने नहीं खोला, क्योंकि हम कर रहे थे मिनी जू की सफाई। मैंने कहा जब तक मिनी जू की सफाई नहीं हो जाती ना, हम अपने किसी पेट्स को नहीं खोलेंगे। और ये वाली पोर्शन पूरा का पूरा हमने धो दिया। ये वाला तो हो गया, अब बारी है उस वाले पोर्शन की। दोस्तों सफाई तो होती रहेगी, सबसे पहले ना अपने पेट्स को हम सारों को खोल लेते हैं। समझ भी आ गया? खोलो, चलो भाई सब बाहर आ जाओ। भेजो यार पीछे से, भेजो, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, इधर सारे। शाबाश, राजा रानी बाहर आ जाओ। तो हमारी डक्स बाहर निकलते ही नहाने पहुंच गई हैं, क्योंकि मजदूर भाई उधर फर्श धो रहे हैं, तो ये तो बहुत खुश होती हैं पानी से। इनके ऊपर मारो मजदूर भाई, इनके ऊपर मारो सर ऐसे। हाँ मैंने ना मजदूर भाई को बोला जो हमारे सब पेट्स हैं इनके ऊपर पानी मारो, और पेट्स ना बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। दोस्तों ये जो आप मिनी फौज देख रहे हैं ना, ये थोड़ी देर पहले कोई सब्सक्राइबर आए हैं, वो दे गए हैं। उनको मैं बोल भी रहा था हमारे बाकी मिनी फौज पेट हाउस में है, तो कह रहे थे आप ये रख लो, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो इनको। अंकल जी एक मिनट, सुपर केज में से अभी आप रहने दें। दोस्तों हमने जो सुपर केज में कपड़ा लगवाया हुआ था ना, वो सबसे पहले तो उतार देते हैं, फिर उसके बाद सुपर केज के अंदर सफाई करवाएंगे। उतारो यार इसको, बहुत गंदा हुआ है। बस इसको उतारते हैं और जल्दी से। दोस्तों अब हमने ना सुपर केज की ना रेनोवेशन कर दी है, दोबारा इसको बनाएंगे अंदर से बहुत खूबसूरत। अब ये कपड़ा ले आओ, मैं यहाँ से ना मैंगो को उठा लेता हूँ। आ जाओ मैंगो, आ जाओ। हमारा भाई कहाँ गया है? इसका भाई भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। अच्छा मजदूर अंकल इस पे पानी तो मारे। बस 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 अब ये ठंडा हो गया है। कैसे? ओए इसको ना अपने हाथ में बिठा के रखो। ओह हो हो भाई। दोस्तों जिस पानी से हम ना सुपर केज साफ कर रहे थे ना, वो पाइप गिर गया, ये लग गया दोबारा। चलो भाई आ गया पानी, आ गया। बस ठीक है। दोस्तों हमारे आउल ने कल अच्छा नहीं किया, इसने कल हमारे फेरेट्स खा लिया, तो इसको ना जल्दी से जल्दी आज हम आजाद करेंगे। सही बोल रहे हो यार, इसको ना आज आजाद करते हैं लाजमी। हाँ यार ये रात का कोई पता नहीं, कल को कोई और चीज खा लेगा हमारी। और ना सबसे पहले ना दोस्तों हम सफाई कर लें। वैसे तो सॉरी की सॉरी सफाई हो गई है, उस तरफ भी इस तरफ भी, सिर्फ लकड़ी वाले अंकल का इंतजार है, तो उसके बाद आजाद करेंगे। सुबह के टाइम सही होगा आजाद करना इसको? वैसे तो आप लोग भी बोल रहे थे रात के टाइम आजाद करना, लेकिन हम सुबह के टाइम ट्राई करते हैं। हाँ, क्या पता उड़े। सही है, अगर ये ना भी उड़ेगा ना, इसको हम पकड़ लेंगे दोबारा, तो फिर रात को आजाद करेंगे। इसके साथ साथ ना हम ब्राउन ईगल मतलब मोला जेट को भी आजाद करेंगे। हाँ यार इसने जब से एक दो बार इसने डाइट खाई यार, कुछ भी नहीं खा रहा भाई। इसको भी आजाद कर देते हैं मोला जेट को, और इसको भी कोशिश करते हैं, बल्कि दोनों अपने ना ईगल्स को आजाद करने की कोशिश करते हैं। जिसका दिल होगा चला जाएगा, जिसका दिल होगा हमारे पास रह जाएगा। दोस्तों मजदूर भाई ना सुबह से आए हैं और काफी तेजी से लगे पड़े हैं, पूरे मिनी जू इन्होंने साफ किया है। मैं भी साथ साथ हेल्प करवा रहा हूँ, समझ भी करवा रहा है। और अब ऐसा ये देखो, ये कितने गर्मी लगी हुई है पैरट्स को। पैरट्स मजे करो, ये देखो जो हमारा न्यू पैरट आया, वो बैठा है, ये भी खुश हो जाएगा। ओहो मजे मजे। मैं तो कहता हूँ ओरियो पे भी आज पानी लगाऊं। ओरियो इधर आओ, ओरियो ये देखो बदमाश के काम देख, मजा आ रहा है इसको। हाँ हाँ मजदूर भाई ने पूरी छत की सफाई की है, लेकिन इन केजेस की नहीं की। मजदूर भाई कर दो यार, थक गए हो मुझे लगता है आप। एक मिनट यार समझ को तो एक ही पता है, एक एक पेट को पकड़ता आ रहा है और नहलाता आ रहा है। आप कहते ब्लैक रानी को नहलाते हैं। वैसे सही है, गर्मी जितनी है ना ये मजे करेंगे यार। बहुत गंदी हुई है। हाँ। ये देखो ये डक्स, ये देखो डक्स को कितना मजा आ रहा है। हेलो यार हम सुपर केज का ना दरवाजा बंद करना ही भूल गए, अभी कोई पैरट निकल जाता। यार कोई निकला तो नहीं है देखना? नहीं नहीं। ओ भाई साहब एक पैरट नहीं है यार, उड़ गया है, मुझे वही मैं बोल रहा था। इधर आओ भागो भागो भागो। कौन सा यार? वो टैंगो का दोस्त मैंगो नहीं है। कहाँ चला गया यार? एक केज खुला हुआ था ना, मुझे लगता है उड़ गया। अंदर जाके देखना, चलो चलो अंदर। इसके पर नहीं काटे थे यार? यार उसके पार दोबारा आ गए थे ना, उड़ने की कोशिश कर रहा था वो, कल भी मैंने देखा। ये क्या हुआ है ही नहीं, कहाँ चला गया? वही मैं कह रहा हूँ यार, दरवाजा खुला, मुझे लग रहा है कुछ उड़ा है, वही मैं इसी वजह से आया हूँ। चला गया यार, क्या हो रहा है यार? हमारे पैरेट्स कोई खा रहा है, कोई उड़ रहा है, समझ से बात। पैरेट की पता नहीं ना किस्मत ही खराब है। सुबह एक पैरेट उड़ गया था, मैंने पकड़ लिया। दोस्तों मैं तो चला गया था नहाने, मैं अभी दोबारा मिनी जू में आया हूँ। अब देखते हैं समद और मजदूर भाई ने कितनी सफाई कर ली है। ओ भाई अरे वाह, सफाई कर भी ली है। ये लो मैं आपके लिए क्या ले आया हूँ, ठंडा ठंडा पानी पियो आप, ठीक है?
थक गए होंगे ना गर्मी में। ये आपके साथ बैठी है, दोस्ती लग गई है मजदूर भाई से है तेरी। ये देखो दोस्त बना लिया पेट्स को आपने इधर आके। दोस्तों मैं सोच रहा था अपने पेट्स के लिए घास लेके आऊं, फिर मैंने सोचा ये घास ये दरख्त किस काम आएगा, ये ठीक नहीं है, ये खिलाते हैं आज। चलो चलो, मुझे लगता नहीं खाएंगे, जो ये पत्ते होते हैं ना कड़वे होते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं खाने। ये लो, सॉरी सॉरी लग गए हाँ। रैबिट भाई नहीं छोड़ते घास, बाकी कोई खाए ना खाए। दोस्तों अभी हम आजाद करने वाले हैं अपने आउल और अपने ईगल्स को, ठीक है ना? सही है यार, मैं तो कहता हूँ ईगल को यहाँ छोड़ देते इधर आजाद। हाँ, अगर वो चला गया तो ठीक है, वरना अगर कोई गिर गया उसका तो कोई पता नहीं हो गया रात के टाइम। ईगल चला जाएगा मेरे हिसाब से, जो आउल है ना वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको दिन के टाइम नजर नहीं आता। हाँ, चलो देखते हैं, अगर नजर ना आए ना उसको वापस बन गए, फिर रात के टाइम आजाद करेंगे। तो सबसे पहले ना ईगल को ले आओ, आप केज उठाओ यहाँ से, इधर रखो इसको। मैं तो कहता हूँ उस साइड। दोस्तों सुपर केज में से सारे हमारे पेट्स निकले हैं ना, जो हमारे पैरट है ना देखो कितने खुश हो गए हैं और आराम से अब बैठ के डाइट खा रहे हैं। दोस्तों अब टाइम आ गया है अपने आउल और अपने ईगल्स को आजाद करने का। समद पर कब से वेट कर रहा है, आजाद करो। मोलू नहीं जाएगा, मोलू नहीं उल्लू यार, मोलू। अच्छा वो दूसरा, ये ईगल जो हमारा ट्रेन है ये चला जाएगा। मोला जट तो गया, मोला जट गया वो तो, और उल्लू को भी चांस है बड़ा। मुझे तो लगता है उल्लू को नजर नहीं आता, नहीं जाएगा। अरे वो पानी पी रहे साफ साफ, वो देखो अभी पता लग जाएगा। दोस्तों मैंने ना अपने कजनों को ना उधर भेज दिया सामने, अगर उल्लू को कुछ भी हुआ ना गिर गया तो वो उसको पकड़ सकते हैं। हमने ना पहले अपने एहतियात कर लिया है, इसको जल्दी से रेस्क्यू कर लेंगे। दोस्तों मैंने ना मोला जट को उठा लिया और पीछे ना समद ने आउल को भी उठा लिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने मोलू को आजाद करना था, हमारा मोलू तो बहुत शरीफ है बड़ा। ये देखो ये तो ऊपर ही बैठ गया, ये तो इसको मैंने आजाद किया यहीं बैठ गया, इसने कहीं नहीं जाना। अब दोस्तों मैं समझ से पूछता हूँ, पहले किसको आजाद करें, मोला जट को या आउल को? मैं तो कहता हूँ आउल को आजाद करते पहले। हाँ। नहीं नहीं, मोला जट को करते हैं मानो। आउल तो क्योंकि आउल को ना रेस्क्यू करना पड़ेगा, मोला जट तो मुझे पता है उड़ जाएगा। चलो फिर ठीक है, सही ठीक है ना यार। आप ऐसा करो आउल को भी मुझे दे दो, चलो पकड़ाओ इसको, कोई पता नहीं है काटना भी शुरू कर देता है। आउल अब मेरे एक हाथ में मोला जट है और एक हाथ में आउल मियाँ। तो सबसे पहले बताऊं किसको आजाद मैं करने वाला हूँ, मोला जट को। मोला जट को, क्योंकि समद की मैंने मान लिया है। चलो ठीक, 1 2 3 मोला जट रेडी है। ओ मोला जट, दोस्तों मैंने मोला जट को आजाद किया, वो नीचे आके बैठ गया। ए उड़ जा भाई, मैं इसको कोशिश करूँ। आप कोशिश करो उड़ाने की, जा भाई जा जा, नहीं जा रहा यार, वो नीचे पकड़ना पड़ेगा। चलो चलो इसको पकड़ो, उल्लू को पकड़ो, जा जा जल्दी जा। ओ भाई साहब, ओए मोला जट ये बैठा है। दोस्तों हमने इसको आजाद किया, ये ना गली में आके बैठ गया, पता नहीं क्यों। इसको कैसे पकड़ूं मैं, मोला जट ओए सबर कर, पकड़ लिया फाइनली, शुक्र है मैं पकड़ आया हूँ। समद को बताता हूँ अब, यार ये उड़ ही नहीं रहा पता नहीं क्यों। क्या हुआ इसको? ओए ओ काट लिया। हाँ ये बच गया, बच गया। ये फिल्में कर रहा पता नहीं क्या है बड़ा, उड़ ही नहीं रहा और ना ही। चल हम यहाँ रखते थे, ये खुद चला जाएगा। दोस्तों इसको ना मैं केज पे रखने वाला हूँ, बस ये खुद चला जाएगा। आओ यार हम आउल को करें नहीं है जाने का। हाँ मुझे तो पता है आउल भी नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है शायद चला जाए वो भी। ओए रेडी हो ना तुम? दोस्तों वो मैंने अपने कजनों को बिठा दिया, अगर आउल गिर भी गया ना वो उस तरफ से पकड़ लेंगे। ठीक गो, वो क्या, वो जो हो रहा है, कहाँ चला गया ये क्या? दोस्तों मुझे लग रहा है गोलू के भी उड़ने के चांस है, समझ पकड़ने जा रहा है। चलो पकड़ लिया समझ ने फाइनली। वैसे भी आजाद कर रहा है लेकिन फिर भी ये जा ही नहीं रहा, वो कहते तारीख से पहले भागने का सोच रहे। ये ना मोला जाट हमारा जा रहा है, ना ही गोलू जा रहा है, उल्लू भाई तो उड़ गए हैं। आपको पता है उल्लू मोहल्ले में फिर रहा है इधर इधर, ये वहाँ बैठा था, कहाँ चला? हाँ उधर बैठा है, बैठा है वो, बैठा है वो, देखो वो बैठा है। हाँ। पकड़े या ना पकड़े यार, कोई फायदा नहीं है इसको, ये अभी रात जैसे होगी ना ये भाग जाएगा, देखना इसको नजर आने लग जाएगा ना। लेगा देखो। हाँ। चारों तरफ देख रहा है, जाने दो जाने दो, ये पक्का चला जाएगा। अच्छा मैं कोशिश करूँ? कोशिश करो। चलो अब देख, समझ गया ना, मैं कोशिश करता हूँ क्या पता चला जाए। इस तरफ करो ताकि मैं इसको सेव करूँ, रेस्क्यू कर लूँ। ओ वापसी आ गया यार, वो क्या वापसी नहीं है, ओए आ जा, ओ दे, मैंने बोला था ना वापसी आ गया। कमाल है यार, उसकी जाने का दिल ही नहीं है यार।
किधर है वो दे वो बैठा है दोस्तों, समझ बार बार कहता है इसको आजाद करते हैं करते हैं। यार नहीं जाता, एक और ट्राई, एक और ट्राई, चलो करो। मैं इस बार इस साइड पे करूं। ओ यार यहाँ नहीं सेव हो सकता, ये गया, अब गया, अब नहीं आने वाला, इस तरफ चला गया। कहाँ चला गया? इस साइड पता नहीं, अब गया पक्का, गया छोड़ो। चलो अब मौला जट की बारी है, मौला जट को आजाद करते हैं। मौला जट तुझे क्या हो गया यार? बस हम आउल और अपने ईगल को ना आजाद करने में कामयाब हो गए हैं, और अब रह गया मौला जट। पकड़ो यार अब इसको, इसके पंजे देख रहे हो, सबसे खूबसूरत भी मुझे यही लगता था। फिर इसको रहने देते? नहीं नहीं आजाद करो। चलो बस बोल दिया तो आजाद। ओए मौला जट उड़ उड़ उड़। दोस्तों मौला जट ना वापसी आ गया, वो उधर मेरा कजन खड़ा, उसने पकड़ लिया, अब वो लेके आ रहा है। समद दो चीजों को तो उड़ाने में कामयाब हो गया, तीसरी चीज को ना समद कामयाब नहीं हो रहा उड़ाने में, मौला जट को। कॉलोनी के आसपास सारे ऊपर घर वाले ने देखो, सारे देख रहे हैं ये क्या शूट कर रहे हैं। तो यार सारे भी लोग ऊपर से देख रहे हैं, जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही हो। नहीं शूटिंग तो नहीं हो रहा, हम देखो सवाब वाले काम कर। हाँ ये सवाब है, इनको आजाद करना ना। ये वापसी लेके आ गया, वेल डन यार, आपने इसको बचाया। तो अब क्या करना है, आजाद करना है या वापसी रखनी? देखो समद बोल रहा है इसको ना इधर ही बिठा देते हैं, रात को चला जाएगा पानी, इसको पानी वगैरह इसके आगे रख देंगे। बस ये है वैसे एक्टिव, जा क्यों नहीं रहा, ये उड़ान भूल गया मेरे ख्याल से 5-6 दिन में। यार उड़ना भी कोई भूलता है? मुझे वही ये तो मैंने नई बात सुनी है दोस्तों, अगर ईगल उड़ना भूल जाए, भूलता नहीं है ये, वैसे इसका दिल नहीं जा रहा जाने का। चलो यहाँ बैठ रहा है यार, हम और काम बोलते हैं। ओरियो क्या कर रहे हो हैं दोस्तों? ओरियो ना खेल रहा है काफी, इधर आ ओरियो, इधर आ। दोस्तों आजकल ना ये रैबिट के पीछे, मुर्गियों के पीछे नहीं भाग रहा, बहुत हमारा शरीफ हो गया ओरियो, आपस अकेला ही खेलता रहता है, अकेला ही खेलता रहता है। क्या सोच रहे हो यार? यार मैं सोच रहा हूँ दो ये केजेस खाली हो गए, इसके लिए क्या लेके आए यार? हाँ इसके अंदर ईगल्स थे वो तो उड़ गए हैं, इसके लिए क्या लेके आए समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ अपने व्यूअर से पूछते हैं। ये सही है दोस्तों, आपने बताना है इस केज के अंदर क्या लेके आए, क्योंकि आप ही हमारे दोस्त हैं, आप ही हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें देखते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स लिखते हैं ना अपने दिल से, और आप सब भाइयों ने दिल से बताना है हम इसके अंदर क्या लेके आए। जिसके ज़्यादा कमेंट्स हुए ना तो वही लेके आएंगे, ठीक है ना? ये मैंने सही सोचा। हाँ ठीक है, पक्की बात। दोस्तों समझना, आपसे ना एक बात करना चाहता है, ये मुझे बता रहा था तो मैंने कहा चलो क्या कहना चाहते हो। यार मैं बता रहा था हमारे ना 1 लाख सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाओ 1 लाख, और मैं आपके लिए भी और वलीद के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूँ। अच्छा ये तो ठीक कह रहा है, अब जल्दी जल्दी करो, मैं तो कहता हूँ कोई सरप्राइज तो बता दो यार। नहीं नहीं बाद में। दोस्तों जब से हमारा मिनी जू बड़ा हुआ है ना, हमारे पेट्स इस जगह पे रहते नहीं है, सारे के सारे इधर घूमते रहते हैं। अभी जब न्यू केजेस बन जाएंगे ना, कितनी अच्छी लुक आएगी, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई फाउंटेन। ओरियो ये देखो, ओरियो को भी बहुत खुशी होती है इधर आके। ओरियो तुमने मेरे पीछे नहीं आना, ठीक है? ये मेरे पीछे ही आएगा, मुझे पता है। हमारा राजा तो घोड़े बेच के सोया पड़ा आज। राजा तूने पाँव नीचे लटकाया हुआ, ऊपर हो जा भाई, इतनी नींद आ रही है तुझे। जब से इसको ना उसके ऊपर पानी मारा ना, इसको सुकून मिल गया, ठंडा ठंडा हो गया, चल सोता रहे। और हाँ हमारा मौला जट वहीं का वहीं बैठा है अभी तक। मौला जट उड़ने का इरादा नहीं है, मुझे लगता है इसका उड़ने का इरादा नहीं है। सो मिनी जू की सफाई हुई है ना, हमारे पर्स काफी मस्त लग रहे हैं। चलो भाई दाना खा लो, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों हमारे कबूतर ना बार बार सुपर केज के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, शाम के टाइम इनको ना पकड़ने में बहुत तंगी होती है। अब मैंने दाना डाला तो आए हैं, अभी दाना खाते ही ना उड़ के दोबारा ऊपर चले जाएंगे। और दोस्तों फाइनली हमारा जो मौला जट था ना वो चला गया, उड़ के चला गया। तो आज का व्लॉग भी एंड करते हैं, बहुत रात का टाइम उड़ा है, मैंने समझा था पहले ही उड़ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उड़ा था। दोस्तों आज का व्लॉग भी एंड करते हैं, आई होप कि आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाजमी जल्दी जल्दी 100K में थोड़े से रह गए, करवाओ, फिर सरप्राइज पे सरप्राइज आने वाला है, न्यू पेट्स भी आएंगे, क्योंकि पेट्स कम हो गए हमारे पास। मिलते हैं कल आज के लिए, अल्लाह।